Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. तो भाई कॉन्वोकेशन वाला व्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया होगा, और कॉन्वोकेशन वाले व्लॉग में मैंने सिर्फ जलालत 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 और सिर्फ जलालत ही की। तो अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी की थोड़ी अच्छी चीजें भी बता दूंगा, और अच्छी चीजें बताने से पहले सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी की एकेडमिया, और एकेडमिया में टीचर्स आ जाते हैं। तो भाई ये बंदा जो एमफिल करके बैठा, तो एमफिल से पहले जो स्टार्ट मेरा शुरू था, जहां से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। तो पढ़ना शुरू कैसे किया, तो ये सारी वीडियो है उन टीचर्स के लिए जिन्होंने मुझे पढ़ा के एमफिल तक पहुंचा दी। तो भाई ये कहानी शुरू होती है मेरी 9th क्लास से, जब मेरा पहला स्कूल बदला गया, और मुझे पता है बगैर ना मुझे पता था आर्ट्स क्या होती है, ना मुझे पता था कि बायो की जगह हम कुछ और रख सकते हैं। तो मुझे बायो वाली जगह पे एडमिशन मिल गया, और वहाँ में मिले सर आमिर, जिन्होंने बायो को फील करा दिया। पहला नाम आता है इस कहानी में सर आमिर। सर आमिर ने 9th क्लास में पढ़ाया हमें बायो से, वो भी मोहब्बत। उसके बाद 10th क्लास मेरा स्कूल चेंज, मतलब मेरा कैंपस चेंज, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। इसलिए 10th क्लास मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल गुजरा। तो भाई किसी तरह रो दो के भाई ने आपके 10th क्लास पास की, और उसके बाद चला गया कॉलेज। और कॉलेज की तो बहुत ही लंबी कहानी है, क्योंकि कॉलेज एक में टिक के पढ़ा नहीं, 4 डिफरेंट कॉलेजेस, और इन 4 कॉलेजेस में 2 सर। पहले सर मुझे मिले थे सुपीरियर कॉलेज में, सर नैयर, जिन्होंने बायो पढ़ानी शुरू की, फर्स्ट ईयर की बायो, भाई को आती सिर्फ वही थी, और उसके अलावा फर्स्ट ईयर में आता ही कुछ नहीं। तो यही बायो की वजह थी कि मैं आज ये माइक्रोबायोलॉजी में या फॉरेंसिक साइंस में एमफिल करी बैठा। तो उसके बाद वहां से निकले, मतलब मैंने गिफ्ट सुपीरियर कॉलेज भी छोड़ दिया, और मैं गाँव से लाहौर शिफ्ट हो गया भाई। उसके बाद अपन ने गाँव जोड़ा और आ गया लाहौर, और लाहौर में मुझे मिला गिफ्ट कॉलेज में एडमिशन। और B7 के किसी भी बच्चे से आप जाके पूछोगे बायो कौन पढ़ा, वो आपको एक ही चीज बताएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी की ढेर सारी यादों के साथ मोहम्मद रियाज साहब, जिन्होंने बायो ऐसे पढ़ाई थी कि भाई वो रूम में उतरी हुई थी। भाई ये सारी चीजें होंगी अपनी सेकंड ईयर तक, यहाँ तक अपने को ये समझ आ गया था कि बायो के अलावा अपन कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकता, केमिस्ट्री दूर दूर तक नहीं, मैथ रखा ही नहीं था, तो बचती थी सिर्फ और सिर्फ बायो। तो यहाँ पे आके हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले ली, और यहाँ पे आके टीचर्स मिले, अच्छे भी मिले, नॉर्मल भी मिले, या ऐसे टीचर भी मिले जिनकी क्लास लेने को भी दिल नहीं था करता। तो ये वीडियो सिर्फ उन टीचर्स के लिए जो बहुत अच्छे लगते थे, जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा, अभी भी याद है कि ये सीखे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है फर्स्ट सेमेस्टर मैम मदीहा, हमें जेनेटिक्स पढ़ाती, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आता है सब्जेक्ट एक मेटाबॉलिज्म, हमें मिली मैम कुरतुलैन, उन्होंने पढ़ाया, और उनका भी पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, समझ आता था। भाई इससे आगे आ जाते हैं हम थर्ड सेमेस्टर में जो माइक्रोबायो वाले थे वो अलहदा हो गए, बायोटेक वाले अलहदा हो गए, और बायोकेमिस्ट्री वाले अलहदा हो गए। थर्ड सेमेस्टर में हमें मिली मैम नोरैन, जिन्होंने लैब में हमें इतनी टेक्निक सिखा दी बैक्टीरिया आइसोलेट करने की, हम किस तरह कल्चर को ग्रो करते हैं, जो हमें आज तक आता है भाई, वो चपेड़े आज भी याद है भाई। थर्ड सेमेस्टर के बाद आता है हमारा फोर्थ सेमेस्टर, और फोर्थ सेमेस्टर में हमें पढ़ाई गई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 1 और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2, दोनों के डिफरेंट टीचर्स, एक मैम सना खुर्शीद और एक सर शुएब का तो लेवल ही नेक्स्ट था भाई। उनके सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट को इतना कोई आसान बना देते हैं डायग्राम्स और ग्रुप कॉन्सेप्ट के साथ कि वो मुश्किल नहीं लगता। और उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में, और यहाँ मिले हमें सर दिशांत, जिन्होंने दोबारा लैब पूरी की पूरी हमारे हैंड ओवर कर दी कि बेटा ये सारी चीज़ें हैं, ये इस तरह होती हैं, मुझे एट द एंड सेमेस्टर ये सारी चीज़ें आप लोगों से चाहिए, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन इतना अच्छा कर दिया, और उसके बाद पूरा कंट्रोल बच्चों के हाथ में दे दिया कि बच्चे कुछ यहाँ से सीख के नहीं। भाई ये सारे टीचर्स जिनका मैंने नाम लिया, ये सारे मेरे BS के टीचर थे, मतलब मेरी ग्रेजुएशन के टीचर। मैं इन सारे टीचर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, या अगर मैं MPhil कर चुका हूँ आज, तो सिर्फ इन टीचर्स की वजह से। अगर ये टीचर मेरे साथ ना होते तो शायद आज मैं अभी भी फेलियर होता, यूनिवर्सिटी में ड्रॉप आउट होता, या कुछ भी इस तरह का कांड होता, कि भाई मैं एक पूरा ना पढ़ने वाला नॉन सीरियस बच्चा, पर जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो इन्हीं टीचर्स से सीखी हैं। तो थैंक यू सो मच भैया। अपने टीचर्स को मैं इससे ज़्यादा तो कुछ दे नहीं सकता, तो पर डिग्री मिलने के मौके पर ये सारे स्मॉल बॉक्सेस सारे मेरे फेवरेट टीचर्स के लिए, जो फिलहाल यूनिवर्सिटी में, काफी यूनिवर्सिटी से जा चुके हैं, तो जो हैं उनके लिए। भाई टीचर्स के बाद आते हैं हम यहाँ की कैंपस लाइफ पे, और कैंपस लाइफ हर बहुत मजे की है, बहुत अच्छी यादें हैं। और ये जो कोर्टयार्ड, और ये हर जगह बैठ के वहीं चाय पीना, बंक करना, क्लासेस इधर उधर घूमना, ट्रिप्स करना, और मैंने अपने BS में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान घूम दिया था ये ट्रिप्स पे, सस्ती ट्रिप्स पे, तो इसकी यादों की थोड़ी सी झलक ये रही। गोडे किटे चिल्ले गए रे कातिल एंड ते यही है। तूने क्या सीखा? मैं नहीं कुछ चुक निकले, पता नहीं क्या निकले। चल मुझसे मोहब्बत हो ना हो। भाई आजकल ना सोशल मीडिया पे आपने बहुत देखा होगा कि पढ़ाई ना करो, डिग्री करने का कोई फायदा नहीं, कुछ स्किल सीखो। ये डिग्री करने का कोई फायदा नहीं, ये बात गलत है, स्किल सीखो ये बात ठीक है। ये लोग अपना कोर्स बेचने के लिए तुम लोगों के फ्यूचर की माँ बहन कर रहे हैं। देखो भाई बिजनेस करना अच्छी बात है, बिजनेस करो, पर बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए, बहुत ज्यादा ताल्लुक चाहिए। और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये आपके ताल्लुक की दुकान है भाई। ये जितनी भी आप लोगों से यहाँ मिलते हो, हजारों की तादाद में वो लोग होते हैं, आपका ताल्लुक बनता है, आपको बात करना आता है, उसके बाद आ जाती है नॉलेज की बात। तो भाई अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, ये डिग्री आपको मरने नहीं देगी, भूखा नहीं मरने देगी, पर अगर आपको स्किल सीख के बैठ जाते और वो कारोबार हो जाता ठप, भाई आप कहीं के नहीं रहते, आप वो मजदूरी करने वाले मजदूर बन जाओगे, पर मजदूरी से अच्छी ये डिग्री है। 4 साल यहाँ रखो, 4 साल पढ़ो, उसके साथ कोई ना कोई स्किल सीखो, डिग्री के साथ स्किल सीखो, अच्छी बात,
पर अगर कहो अगर डिग्री करनी नहीं, पढ़ाई छोड़ के मैं स्किल सीखूंगा, मैं कारोबार करूंगा, तो भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो कि आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर चलती है। तो इस तरह की बातों को ना दिमाग पे हावी किया करो। मैं तो यही कहूँगा भाई डिग्री करो, इंसान के बच्चे बन के पढ़ो और उसके बाद अपना कोई बिजनेस करो, जॉब मिलती है जॉब करो। हर बंदा बिजनेस करने वाला नहीं होता और हर बंदा जॉब करने वाला नहीं होता, वो अपना अच्छे से पता होगा, मुझसे भी अच्छे से पता होगा। पर डिग्री को फजूल कह देना ये गलत बात है। हाँ, हमारा सिस्टम गलत है। सिस्टम गलत क्यों है वो एक अलहदा वजह है, तो उस पर बाद में बात करेंगे। पर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।